गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अगर आपको भी गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही है तो मैं आपको एक झटपट रेसिपी आपके साथ लाई हूं जो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूं। ये जो रेसिपी है बहुत जल्दी क्विकली रेसिपी बन जाती है। इसका पानी हो चाहे जो मिक्स करते हैं हम लोग आलू का बैटर या मटर का बैटर जो भी हम बनाएंगे वो भी सब जो है फटाफट बनेगा। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये रेडीमेड है, इसको अगर आप तल दो तो ये आपके जो पुचके होते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं गोलगप्पे। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके शहर में से क्या कहते हैं, गोलगप्पे कहते हैं, पुचके कहते हैं कि क्या कहते हैं। तो इसको तलने से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे की रेसिपी। कढ़ाई मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं उसमें अपना रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। घर पे भी बनाना बहुत आसान होता है ये। अब हम इसको निकाल लेंगे। गोलगप्पे बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल गोल गोल क्रंची। ये देखें इसकी हवा देखें, बिल्कुल क्रंची हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे गोलगप्पे बनकर अब तैयार हो चुके हैं। अब उसके अंदर जो हमें फिलिंग डालनी है वो हम देखते हैं। ये मैंने मटर थे, मटर उबाल लिए हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा दबा दे रही हूँ। ये आपको बिल्कुल जो बाहर ठेलियों में मिलते हैं ना उसके जैसे लगेंगे, तो हल्के हल्के दबा दीजिए। फिर हम इसमें अपने अनियन डाल देंगे। ये मैंने चॉप करके अनियन रखे थे वो डाल दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, रेड चिली पाउडर, और चाट मसाला। हम इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। ये आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया डाल देंगे और इसको मिला देंगे।
अब आप देख सकते हैं हमारे गोलगप्पे और उसके अंदर की फिलिंग दोनों बनकर तैयार हो चुकी है। गोलगप्पे के पानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 से 2.5 कप पानी ले लिया है। ये हमने धनिया पुदीना ले लिया है और ये है हमारी अदरक हरी मिर्चें। इन चारों को हम अच्छे से अब पीस लेंगे। तो मैंने इसको पीस लिया है, मैं इसको पानी में मिला दूंगी। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार काला नमक मिला लीजिए, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा हमने रखा था उसको पाउडर बना लिया, ये हमारा जीरा पाउडर है, इसे डालने से टेस्ट जो है वो अलग ही निकल के आता है। ये हमारा जलजीरा पाउडर है, अब हम इसमें हींग डाल दे रहे हैं। हींग का फ्लेवर जो पानी पूरी का जो बैटर होता है ये पानी उसमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा स्वाद अनुसार सफेद नमक डाल देंगे और थोड़ा चाट मसाला। अब हम इस पानी को जो भी हमने इसमें मिलाया है वो अच्छे से मिला लेंगे। आप ये देख सकते हैं हमारा पानी जो है बनकर तैयार हो गया। ये देख रहे हैं आप कितना बाजार जैसा ये पानी लग रहा है, बिल्कुल ये देखें बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाजार जैसा ही आएगा आपको। अब ये समय है, आप चक्कर देख सकते हैं कि इसमें नमक अगर कम हो तो आप बढ़ा लीजिए, अगर ठीक है तो फिर कोई बात नहीं। अब हम इसमें टच के लिए बूंदी डाल देंगे। मैंने बूंदी इसमें मिला दी है। बूंदी मिलाने से इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल ही अलग ही आ जाता है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं चाहते हो तो मत डालो। ये पानी अब हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ये ठंडा ठंडा पानी और आपको बहुत स्वाद लगेगा। देख सकते हैं हमारे गोलगप्पे, गोलगप्पे की फिलिंग, ये हमारे गोलगप्पे का पानी। और मेरे पास इमली की चटनी पड़ी हुई थी, तो आप अगर इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैं आपको एक दिखाती हूँ। अब हम इसमें अपना ये मटर वाला फ्लेवर वो डाल देंगे, फिलिंग, थोड़ी सी चटनी डाल देंगे। इसमें अगर आप दही, नमक, लाल मिर्च डाल दें तो आपकी मीठे गोलगप्पे बनकर तैयार है। और हम पानी वाले बना रहे हैं। ये देखिए, तो आप भी खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।